हम लोग बात कर रहे थे कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिकल टूल्स की, है ना। एंड तीन चीजें जिसमें हम अभी पढ़ेंगे, वन इज डिफरेंशिएशन, एंड बेसिक मीनिंग इज कि हमें जो चीजें बड़ी है हम उसको छोटा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि छोटे छोटे चीजों से हम बड़ा कैसे करते हैं, एक्युमुलेशन या फाइन लेवल ऑफ एडिशन। एंड वट एवर वी आर डूइंग, बड़े से छोटा करना, छोटे से बड़ा करना, हम एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ करते हैं, विच इज नोन एज वेक्टर। नाउ अगर हम बात करें जनरलाइजिंग में, क्या सपोज अगर हम बोलते हैं ना कि हमें प्लाई चाहिए, ठीक है, तो प्लाई अगर चाहिए तो हमें पता है क्या कि भाई पेड़ से हम काटेंगे, मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ठीक है आप ना प्लाई चाहिए और बड़ा से छोटा करना है, हमने प्रॉपर आपको डायरेक्शन भी बता दिया है क्या कि भाई ट्री है आप उसको वर्टिकली काटिएगा, है ना, एक एक इंच के गैप पे काटिएगा, ठीक है, तो ऐसे आपको करके ये नहीं बोलेंगे कि हमें प्लाई मिल जाएगा। बट अगर मैं आपको ब्लेड दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक है ना, जो भी इक्विपमेंट्स है वो दे दिए, हाँ, एंड अगर हम बोल दें कि आप जाओ और नहीं बोलते हैं कोल माइन के अंदर और आप ये सब काम करिए, ठीक है, आप वर्टिकली काटिए एक इंच पे ऐसे करके, तो ऑफ कोर्स हमें ये प्लाई नहीं मिलने वाला। क्यों? देखिए जो भी ये सब चीज हम करते हैं ना वो हम करते हैं किसका, विच इज नोन एज फंक्शन, एंड फर्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे भी, फंक्शन। नाउ कमिंग टू द फंक्शन, क्या होता है अगर सिंपल वे में बात करी जाए तो हम लिखते हैं फंक्शन को कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, राइट, वन इज डिपेंडेंट एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट। चाहे हम इसको नोट कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट, है ना। नाउ अगर हम लोग बात करें कि इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एंड मैथमेटिकल नोटेशन इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये वेयर जो हमारा ऐसा लिखा जाएगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। नाउ अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं बोलू क्या कि अगर मैं ट्री का बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो ट्री हमें कहां मिलेगा, फॉरेस्ट में, है ना, तो वही चीज यहां पर मैथमेटिकली दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि जो ट्री है या जो फॉरेस्ट है वो ट्री का फंक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ ट्रीज को ही हम फॉरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो वो एक जनरल हम बात कर रहे हैं और ये हम मैथमेटिकली हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन। ना आगे अगर अपन बात करें तो हम एक्स को लिखते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई को हम लोग लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके नाउ चलिए थोड़ा सा मैं इस चीज को और समझाता हूं, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वैसे जो ये चैप्टर है वो बहुत ही क्या बोलेंगे अच्छा खासा चैप्टर है,
ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का ओवरऑल पोर्शन होता है, एंड ऑफकोर्स जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है वो ट्वेल्थ में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग बहुत बेसिक सिंपल, सो दैट कि हम लोग फिजिक्स में दिक्कत ना आए और हम आगे बढ़ पाए। नाउ द थिंग इज कि अगर हम बात करें कि फंक्शन को थोड़ा सा समझने के लिए ना, तो मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। सपोज हम एक कमरा बना रहे हैं, ठीक है, एक रूम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स, राइट। सपोज हमें एक कमरे बनाने के लिए अपने को ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है से 1000, है ना, 1000, राइट। दूसरा हम ये भी समझ रहे हैं कि ब्रिक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब ऐड करना है, ठीक है। दूसरा हमें डायरेक्शन भी पता है कि नहीं, से कि 10 फीट ऐसे, फिर हम राइट एंगल में जाएंगे, फिर 10 फीट, मतलब तमाम जो चीजें हैं इन टोटल में आपको समझाऊं कि एक एक रूम बनाने के लिए हमें 1000 ब्रिक्स की जरूरत है, राइट। अब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक रूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर दो रूम बनाना होगा तो हमें और ब्रिक्स बनाना होगा या जरूरत पड़ेगी। अगर हमें तीन रूम बनाने हैं तो हमें 3000 की, सपोज ऐसा ही एकदम सिमिलर बना रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्या कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि रूम जो है हमारा वेरिएबल है, एक रूम, दो रूम, 10 रूम 20 रूम नहीं होता, पूरा बिल्डिंग बनाइए, पूरा सोसाइटी बनाइए, सिटी बनाइए, राइट। तो हम इस तरीके से ये समझ पा रहे हैं कि रूम जो है वो वेरिएबल है ना। नेक्स्ट, क्या जो ब्रिक्स है, जो ईंट है, वो भी वेरिएबल है? एक रूम बनाना है 1000, दो रूम बनाने हैं 2000, तीन रूम बनाने हैं 3000, है ना, जो भी रिलेशन रहेगा, है ना, एंड इनके बीच का कुछ रिलेशन है, मींस अभी जो हम लोग एग्जांपल में बोल रहे हैं वही 1000। हो सकता है किसी रूम को बनाने में 800 लगे, हो सकता है किसी रूम को बनाने में हमको 1500 लग जाए, है, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट, नंबर ऑफ रूम एंड ब्रिक्स, है, दोनों के दोनों क्या बोलते हैं वेरिएबल है, एंड इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, ठीक है ना। फंक्शन हम ऐसे ही बोलते हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो हम रूम और ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल है एंड दोनों के बीच रिलेशन भी है, आप ये समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं, जो रूम है वो डिपेंडेंट है, राइट, एंड जो ब्रिक्स है वो इंडिपेंडेंट है ना। अगर थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। सपोज आपको एक रूम बनाना है तो 1000 ब्रिक्स चाहिए, दो रूम बनाना है तो 2000 चाहिए, है ना, बिना ब्रिक्स के रूम आप नहीं बना सकते, है ना। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलिए मैं 10000 ब्रिक्स लेके रोड पे रख दूं, ठीक है ना, तो क्या हमें रूम बनाना जरूरी तो है नहीं, कंपल्सरी नहीं है, क्या नहीं होता, जो लोग ईंट बेचते हैं तो क्या वो अपना घर ही बनाते रहते हैं, राइट। सो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, या मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आनी चाहिए, है। तो इस तरीके से जो हमारा रूम होगा वो डिपेंडेंट हो गया और जो ब्रिक्स है वो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। नाउ आगे हम चलते हैं, इन्हीं चीजों को और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं, क्या क्या देखते हैं। अगर देखिए, अगर मैं कोशिश करूं इसको और थोड़ा सा समझने के लिए ना, ठीक है ना, तो क्या है, एक बॉक्स बनाते हैं, हाँ, हम इसको लिखते हैं इनपुट, ये है हमारा आउटपुट, या यही हमारा एक्स होता है और यही हमारा वाई है, या इसी चीज को जो बोल रहे हैं वो क्या एफ एक्स, है ना। एंड दिस बॉक्स मींस कि कैसा हमारा रिलेशन है, ठीक है ना, क्या है, एक तो हमारे जो x बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम उसको आउटपुट भी बोल रहे हैं, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट नोटेशन। नाउ थोड़ा सा और हम लोग इस चीज को समझते हैं क्या क्या। देखिए
अगर अगर मैं रूम वाले एग्जांपल को वापस से बात करी जाए, ठीक है, क्या कि सपोज हमें नहीं होता कि इतना ही बड़ा स्क्वायर घर बनाना है, स्क्वायर घर बना रहे हैं, ठीक ना, तो हम जानते हैं कि 1000 हमें ब्रिक्स चाहिए ना, सपोज ब्रिक्स ही नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे, बताती है क्या बिना ब्रिक्स के रूम बन सकता है, बन सकता है, वुडन बना लीजिए, हाँ लकड़ी का बना सकते हैं बिल्कुल, लोहे का बना लीजिए, एल्यूमिनियम बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से देयर आर मटेरियल और इन्हीं चीजों को हम लोग इनपुट बोलते हैं एंड इसका कलेक्टिवली नेम हम देते हैं डोमेन, राइट, हम इस चीज को बोलते हैं ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यू, राइट, नाउ सिमिलरली हम इस टर्म को रेंज बोलते हैं, ये रेंज है ना, मींस क्या ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ आउटपुट वैल्यू है ना, तो ये हमारा कुछ बेसिक बात है जो चीजें हम समझ सकते हैं, है ना, सिंपल है ना, अगर मैं इन्हीं चीजों को और थोड़ा सी एलिबरेट कर जाए नेक्स्ट ना, देखिए जैसे मैं लिखूं एरिया ऑफ अ सर्कल, तो हम जानते हैं कि इस एरिया को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसी रिलेशन को ना अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि y इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, है ना, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए यही जो चीज है आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या एफ एक्स, देखिए, और चलिए एक और लिखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, हाँ दिस एरिया इज ए स्क्वायर, या हम इस तरीके से लिख लें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये भी देखिए ये भी हमारा है ना, देखो एक्चुअली में अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए नो डाउट ये भी रिलेशन है, और ऐसा लिखने का मतलब कि रिलेशन क्लियरली डिफाइंड है, अगर हम बोले कि बोली दे रहा है कि स्क्वायर रूम बनाइए, स्क्वायर रूम बनाइए, तो आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूम ये बनाने के लिए हमें 1000 चाहिए, मतलब ये ऐसी बात है कि वो बोल दिया 1000 चाहिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है सपोज कि 800 ही लग रहा है तो वो भी, मतलब ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड, कैसा है ना, अगर इस तरीके से केवल लिखा हुआ है तो आप भी जानते हो कि रूम बनाने के लिए ईंट चाहिए, है ना, यहां पर भी वही चीज लिखा है रूम बनाने के लिए ईंट चाहिए, रिलेशन तो है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, रिलेशन है, बट रिलेशन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हाँ, एंड ये एक हमारा नोटेशन है, ये भी हमारा एक डिफरेंट नोटेशन है, हम जरूरी नहीं कि वाई और एक्स लिखें, अगर भी आगे हम लोग यूज कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट अगर अपन बात करी जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या, चलिए हम एक एग्जांपल से ही देते हैं,